आजकल ये शॉर्ट्स पहनने की आदत हो गई है और उसमें ये घुटने भी नंगे होते हैं, जबकि घुटना शामिल है आपके पर्दे में, आपके सतर में। मर्द का सतर घुटने से लेकर नाफ तक है। अगर किसी मजबूरी से या किसी वजह से वो कोई ऐसा लिबास पहनता भी है तो वो अपने घुटनों को नंगा नहीं रखेगा और नंगा नहीं होने देगा। तो ये उसके पर्दे में शामिल है। तो कौमों का बेलिबास होना ये कौमों की तहजीब का पता देता है। मैं वहाँ उंदलस में गया तो करतबा में और गरनाता में तारीख देखने के लिए मैं दो दफ़ा गया, और मुझे ये था कि मैं जहाँ मुसलमानों ने एक मुद्दत तक हुकूमत की है उन मनाजर को अपनी आंखों से देखूं। तो गरनाता में भी देखा और करतबा में भी ये देखा कि उनके पुराने मकानों का जो तर्ज तामीर है वो ये है कि उनकी जो खिड़कियाँ हैं वो कदे आदम से ऊपर शुरू होती हैं। यानी हमारे यहाँ तो वो आजकल ये नया जो तर्ज तामीर आया है कुछ अरसे से कि 4 फुट की गली हम अतराफ में छोड़ते हैं और दीवार ऊपर करके टुकड़ी के नीचे तक ले जाते हैं, तो ताकि हवा की गुजरगाह आसान हो। और जब ये गली छोड़ने का रवाज नहीं था तो जो घर के कमरे की खिड़की होती थी या सेहन की खिड़की होती थी वो डायरेक्ट गली में खुलती थी। तो उस वक्त तर्ज तामीर जो मुसलमानों का था और जो दूसरे लोगों का तर्ज तामीर था उसमें फ़र्क था। जो दूसरे लोग थे वो नीचे से खिड़की शुरू करते थे और हम कदे आदम से ऊपर शुरू करते थे, चूँकि ये तर्ज तामीर बताता है कि अंदर कोई हया वाले रहते हैं और गली से गुजरने वाले शख्स की नज़र अंदर ना पड़े। तो मैंने देखा है कि मगरब के अंदर तो ये तसव्वुर नहीं है कि कदे आदम पे खिड़कियाँ हों, लेकिन वहाँ कदे आदम पे पुराने मकानों की खिड़कियाँ देखी हैं। तो ये तर्ज तामीर बताता है कि मुसलमानों के खमीर में हया रखा है। मेरे हुजूर ने सच कहा था, जब ईमान आता है तो हया आता है, जब हया रुखसत होता है तो ईमान भी रुखसत हो जाता है।